भाई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तीसमार खां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है। इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे। लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तीसमार खां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हुबली के कॉलेज में सरेआम एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है। उल्टा जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है। और यह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। जब कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी,
इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई, बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। क्या मेरे भाइयों बहनों, क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साए में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या? ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या? और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या?